हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्ने एंड एक्ने स्कार्स को रिमूव करने की रेमेडी बताऊंगी। जी हाँ, ये रेमेडी बिल्कुल नेचुरल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो आए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको इस रेमेडी को बनाने की जरूरत पड़ेगी वो है मिंट लीफ। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश पुदीने का यूज किया। अगर आपको फ्रेश मिंट लीफ नहीं मिलती है तो आप इसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। पाउडर बनाना बहुत ही आसान है। आप ताजे पुदीने की पत्तियों को धो करके सुखा लीजिए, उसके बाद आप मिक्सर में इसका पेस्ट या पाउडर बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मिंट लीफ लेना है, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। आप मिक्सर में इसका पेस्ट बना सकते हैं या सिलपट्टे का भी यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से मैंने पेस्ट बनाकर लिया है और आप देख सकते हैं, जब भी मैं आपको ये बात ध्यान से सुने कि जब भी आप मास्क लगा रहे हैं तो पुदीने का जो आप रस निकालते हैं फौरन लगाएं और फौरन इस्तेमाल करें। जी हाँ, आपको इसे बना करके स्टोर नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर, जैसे बोलो 50-60% इसका असर कम हो जाता है। जी हाँ, तो जितना अगर आप फौरन इंस्टेंट बनाते हैं, इंस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इस तरीके से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत ही सिंपल, आपको इसमें कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना। दूसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है लेमन। जी हाँ, मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम इसमें करीब आधे नींबू के करीब इसमें नींबू ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जी हाँ दोस्तों, तो आप इसमें आलू का रस या टमाटर का जो बोलू रस आप इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नींबू का रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ, हम इसमें करीब आधा नींबू निचोड़ेंगे। जी हाँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया सा पैक बन करके तैयार है। बात करूँ पुदीने की खूबियों के बारे में, तो पुदीने में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंड सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। जी हाँ, जो पिंपल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, आपकी स्किन को ठंडक देते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से चंदन लगाने के बाद आपको फेस पे इंस्टेंट ठंडक फील होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी स्किन को कूलिंग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कूल बनाते हैं। आपके फेस पे जो, जैसे मैंने कहा, पिंपल है उसके स्पॉट्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। जी हाँ, और आपके फेस पे जो जिनकी स्किन ऑयली होती है, एक्ने प्रोन होती है, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है, तो उसको ये रिमूव करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और इसी तरीके से बात करूँ नींबू की, तो नींबू के बारे में आप सब जानते हैं कि नींबू हमारे दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो आपके स्किन से दाग धब्बे, झाइयां जो होती हैं, एंड मतलब किसी भी तरीके की जो दाग धब्बे, उन सबको दूर करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर, जैसे बोलेंगे ग्लास स्किन बना करके देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मास्क आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आपको इसे लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। तो सिंपल, जैसे आप सारे मास्क अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है, मैं आपको हाथों पे बता रही हूँ, इस तरीके से आपको इसे लगाना है। और ये मास्क बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर इसे रेगुलर अप्लाई करते हैं, आप इस मास्क को दिन भर में 2-3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस मास्क में नींबू की जगह आप इसमें आलू का रस या टोमेटो पल्प भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लगाएं और इसे लगा करके छोड़ देना है आपको सूखने के लिए। ये 10 से 15 मिनटों में कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे। दोस्तों, मास्क मैंने जो लगाया है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया, अब मैं इसे वॉश कर लूंगी ठंडे पानी से। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास हो रहा है। और अगर आप भी इस मास्क को लगाते हो तो आपको फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिनको एक्ने हैं। जी हाँ, मैंने बार बार आपसे कहा है, अगर आपको एक्ने हैं, एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, तो भी आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव फेस मास्क है और फर्स्ट टाइम के अगर एप्लीकेशन में आप इसको, इसका बेनिफिट आपको उसको देखने को मिलेगा। जी हाँ, और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आप इसे 1 वीक तक रेगुलर यूज़ करके देखते हैं तो भी आपको उसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेचुरल रेमेडी, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्किन पर सूट करेगी कि नहीं सूट करेगी। जी हाँ, बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस मास्क को रेगुलर लगा करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए मास्क कैसा रहा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नए वीडियोज में, तब तक।